गया हूँ मैं एक ऐसी जगह पे जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी, यानी कि मैं समुंदर के बीचों बीच हूँ। मुझे लगा एक ऐसा कर्ज यानी कि श्राप जिसको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल है। इस वर्ल्ड में मेरे कुछ गोल होने वाले हैं। सबसे पहले तो अपना कर्ज तोड़ना, जिसके लिए मुझे एक अदर डायमेंशन में जाके वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्नेक से फाइट करनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास सिर्फ 5 ही हार्ट है और ये वर्ल्ड हार्डकोर में, यानी कि मुझे एक ही लाइफ मिलेगी, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए। और मेरा लास्ट गोल है मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा घर बनाना एंडर ड्रैगन को हराने के बाद। क्या मैं यहाँ पे 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ समुद्र के बीचों बीच हो चुका था, लेकिन मेरे पास भाई सिर्फ 5 ही हार्ट है, बट मेरी कुछ एबिलिटीज भी हैं। भाई नेगेटिविटी होने के साथ साथ एबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। तो मैं एक ब्लॉक पे स्पॉन हुआ था डर्ट के, सबसे पहले तो मैंने वो ही तोड़ा। उसके बाद मैंने कुछ डर्ट के ब्लॉक माइन करना शुरू कर दिए अपने आसपास के एरिया में, क्योंकि समुद्र भाई बहुत बड़ा होता है, वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाते हैं। इवन मैं माइन भी कर सकता हूँ नीचे जाकर के। बात यहाँ पे एबिलिटीज के, तो मैं आप लोगों को अपनी कुछ एबिलिटीज गिनवा देता हूँ। भाई मेरे पास वाटर ब्रीदिंग एबिलिटी है, रीजनरेशन एबिलिटी है, प्लस नाइट विजन भी है, और सबसे तगड़ी चीज जो कि मेरी मेन एबिलिटी है, यानी कि मैं 3 ब्लॉक की हाइट तक जंप कर सकता हूँ। मैं माइन करते करते माइनिंग में पहुंचा जहाँ पे मुझे माइन शाफ्ट मिली। भाई यही वो जगह थे जहाँ पे मेरे को अब अपने टूल बनाने की चीजें मिलने वाली थी, यानी कि वुड। लेकिन एक गड़बड़ थी, सामने एक स्पॉनर था और मेरे पास कोई टूल भी नहीं थे, तो मुझे इनको कैसे भी करके डिफीट करना था और यहाँ पे जो चेस्ट थे वो लूटनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक ब्लॉक का होने का फायदा उठाया जाए। तो एक ब्लॉक का होने की वजह से मैं आसानी से सारा सामान लूट सकता था चेस्टों का, और वही मैंने किया अभी। भाई मेरे को एक गोल्डन एप्पल मिली चेस्ट से, लेकिन मैंने उसको खाया नहीं, मैंने सबसे पहले रोटन फ्लैश खाया, क्योंकि भाई अपने रिसोर्सेस बचाने जितने ज्यादा हो सके। और ये जो एप्पल है इसको मैं सिर्फ इमरजेंसी में यूज करूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल दूसरी चेस्ट से मेरे को आयरन भी मिल गया था, जिससे मैंने एक पिकेक्स बनाई और एक छोटे से कॉर्नर पे खड़े होकर चेस्ट के पीछे मैंने वो स्पॉनर तोड़ दिया। अब भाई मैं इस शाफ्ट के अंदर एंटर कर सकता था, यही सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था इस शाफ्ट में अंदर जाने के लिए मेरा। स्पॉनर के बाद लूटने के बाद मेरे को वहां पे थोड़ा कोबल स्टोन भी मिल गया, मैंने थोड़े बहुत स्ट्रिंग भी निकाले ताकि मैं अपने लिए बेड बना सकूं। फिर फाइनली मेरा फर्स्ट डायमंड मुझे मिला और वहां पे मैंने माइन करा, क्योंकि मैंने सुना डीप स्लेट के आसपास माइन करने से एक्स्ट्रा डायमंड मिल जाते हैं। लेकिन भाई वहां पे एक ज़ॉम्बी आ गया चिकन पे बैठ के, बेबी ज़ॉम्बी, मैं क्या मरते मरते बचाऊं भाई, चल छूट। फिर मैंने सोच लिया भाई मेरे पास जो लास्ट आयरन बचा उससे मैं एक शील्ड बनाऊंगा ताकि मैं थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन ले सकूं भाई, क्योंकि मेरे पास आर्मर भी नहीं है अभी तक। भाई कुछ भी माइनिंग नहीं हुआ, अभी अभी गेम शुरू हुआ और पता चल रहा अभी अभी गेम खत्म भी हो जाए। तो मैंने सोचा यहाँ पे सबसे पहले मैं माइन को लूटूंगा, क्योंकि मुझे पता है माइन शाफ्ट में बहुत सही सही चीजें मिल जाती हैं। माइन कार्ट में चेस्टे वगैरह भी मिल जाते हैं भाई, जिनके अंदर इंचेंटेड एप्पल तक मिल सकती है आप लोगों को, और अच्छी किस्मत हुई तो डायमंड भी मिल जाते हैं। जहरीली केव स्पाइडर से लड़ने के बाद भाई मैं लगभग मार ही दिया था उसने मेरे को। उसके बाद मैं एक और स्पॉनर के पास पहुंचा जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को डिफीट करने के बाद मेरे को एक और गोल्डन एप्पल मिल गई, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ से एक मेन रिसोर्सेज यानी कि वुड कलेक्ट करना शुरू किया। मेरे पास इस वर्ल्ड में वुड नहीं है और यही एक रिसोर्स है मेरे पास वुड का। कभी कभार मेरी किस्मत बहुत अच्छी भी हो जाती थी भाई, मेरे को डायमंड वगैरह मिल जाते थे, तो थोड़े बहुत डायमंड भी मैंने कलेक्ट कर लिए यहीं से ही माइन शाफ्ट से। अच्छी खासी माइनिंग करने के बाद मैं माइन से बाहर आ गया और सोचा कि बाहर का भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया जाए, यार आखिरकार इस समुद्र में है क्या चीज। तो मैं आसपास देखता हूँ तो मेरे को कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, मुझे लगा भाई ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होंगे जैसा कि डीप ओशन वगैरह में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं इनके अंदर गया तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल वाले स्ट्रक्चर थे भाई, अंदर लूट थी प्लस एमरल्ड के ब्लॉक भी लगे हुए थे। भाई मेरी तो लॉटरी लग गई यहाँ पे, मैं पहले क्यों नहीं आया यार। फिर आसपास से मैंने ऐसे एक दो स्ट्रक्चर और लूटे जहाँ पे मेरे को आयरन भी मिला और कुछ और एक्स्ट्रा एमरल्ड लिया। मुझे एक बकेट भी मिली, बकेट ऑफ सैलमोन। सैलमोन मतलब सैलमोन भाई, अरे यार मजाक कर रहा था, ये सैलमोन भाई नहीं, सैलमोन फिश है। पता नहीं यार जब से मैं इस सीरियस 100 डेज की वीडियोस बनाने लगा हूँ ना, मेमेस निकलते ही नहीं है यार, मैं बना ही नहीं पाता कॉमेडी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिलहाल मैं सारा सामान लूटने के बाद घर के लिए एक जगह तलाश करने के लिए जा रहा था कि अचानक मेरे को एक स्ट्रक्चर दिखा जो कि आई थिंक वो एक क्रैश शिप थी, यानी कि क्रैश बोर्ड जो होती है भाई पानी की। इनके अंदर देखा मैंने कुछ सप्लाई क्रेट थी भाई, यहाँ पे सप्लाई क्रेट के नाम पे भाई मेरे को बहुत सारा फूड मिल गया, यानी कि एप्पल वगैरह भी मिल गई, और इनके अंदर सैपलिंग्स भी थी, बैम्बू थे, कुछ पोटैटो वगैरह भी रखे हुए थे और पेपर्स थे। तो ये मेरे लिए भाई लाइफ सेवर हो सकता है। तो अब मैं यहाँ आसपास अपना घर भी बना सकता हूँ। और ये वुड लोग देख रहे हो भाई, ये तो मेरे को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, मतलब वुड तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैंने इस जगह को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि यही अब मेरा घर होने वाला है भाई। यहीं पर मैं अपने लिए कुछ बढ़िया सा बनाऊंगा जहाँ पे मैं रह सकूं और अपना प्रोग्रेस कर सकूं। कुछ दिन की मेहनत के बाद इस समुद्र में मैंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया था, प्लस मैं अभी तक जिंदा भी था,
जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है भाई। अब मेरे को इस जगह को थोड़ा बहुत अपने घर में कन्वर्ट करना है भाई, मतलब ऐसा तो करना है कि भाई मेरा यहाँ पे मन लगा रहे और मेरा यहाँ पे रहने का दिल करे। फिलहाल तो ये डर्ट के ब्लॉक है और यहाँ पे कुछ चेस्टे वगैरह जिनमें मेरे रिसोर्सेस हैं, और मैंने यहाँ पे 3 चेस्टे लगाई है। एक चेस्ट में भाई मेरे ब्लॉक्स रहेंगे और मेरा बिल्डिंग का सामान रहेगा जितना भी होगा सारा का सारा। एक में मेरे रिसोर्सेस हैं जो कि भाई जो कि मेटल वगैरह है, डायमंड वगैरह माइनिंग से जो मुझे मिलेंगे। तीसरे में मेरा फूड है जो कि मैं कलेक्ट करूंगा। फिलहाल तो अभी कुछ भी फूड नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मेरा पहला ओक का ट्री भी उग चुका था भाई, जो कि मैंने बोन मिल से उगाया है सैपलिंस के थ्रू, और अब मेरे को एक्स्ट्रा सैपलिन भी मिल जाएंगी, जिससे कि अब मेरे को वुड की कमी तो यहाँ पे होने नहीं वाली है। अब मेरे को थोड़ा माइनिंग में टाइम स्पेंड करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक बढ़िया सी पिकेक्स बना ली जाए जो बार बार ना टूटे, क्योंकि यार आयरन की पिकेक्स बार बार टूट सकती थी और स्टोन की पिकेक्स से इतनी बढ़िया चीजें माइन नहीं होती। तो मैंने डायमंड को अपने स्पेंड करके एक बढ़िया से पिकेक्स बना ली, जिससे कि मैं बहुत सारे डायमंड्स और भी माइन कर सकूं नीचे जाके माइंस में, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का अपग्रेडेड वर्जन है तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी केव मुझे मिलने वाली है जिनके अंदर बहुत सारे मॉब्स होंगे। इवन वार्डन भी इसमें मिल सकता है, अगर मेरी किस्मत बिल्कुल ही खराब हुई तो वो मेरे को वन शॉट सुपर बीम से मार भी सकता है भाई। अरे सुपर बीम क्या यार, वो फूक मार देगा, मैं तो वैसे मर जाऊंगा। बेशरम आदमी। जब भी मैं नीचे केव में माइन करने आ रहा था ना, तो मेरे को एक चीज का फायदा तो हो रहा था कि भाई मेरे को नाइट विजन की वजह से ना टॉर्च लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यार यहाँ पे इतने सारे मॉब होते हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स चल रहा है भाई। कैसे कैसे करके मैं बचता था ना वो तो मेरे को ही पता है। दिल बिल्कुल गले में अटका रहता था भाई, क्योंकि ये हार्ड कोर है और यहाँ पे एक ही लाइफ है, और ऊपर से मेरे पास सिर्फ 5 ही हार्ट है, ना कोई बढ़िया सा आर्मर कुछ भी नहीं है भाई मेरे पास इतना तगड़ा। एक बार एक चमत्कार हुआ, मैं डायमंड लेने के लिए हाइट पर गया भाई और इस डायमंड को मैंने माइन करा, और जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था ना तो मैंने जंप लगा दी गलती से, और भाई मेरे को एक एबिलिटी के बारे में और पता चला मेरे को अपनी कि मेरे को फॉल डैमेज भी नहीं लगता है। ये तो यार बहुत ही सही चीज है यार, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होने वाले हैं इसके मुझे। एक करिश्मा और हुआ मेरे साथ, मैं एक और डायमंड लेने के लिए बहुत ऊंची हाइट पे गया और मैं वहां पे जंप कर रहा था कूदने के लिए कि भाई मैं चलो दूसरे ब्लॉक जाता हूं, लेकिन मैं नीचे गिर गया और मैं गिरा सीधा लावा के अंदर। भाई मेरे को फायर डैमेज भी नहीं लगता भाई, ये क्या है, ये फ्रोगा की सुपरमैन है, बहुत ही पावरफुल है भाई ये। लेकिन इसके पास फिर भी 5 ही हार्ट है, किसी ने मेरे को आके एक थप्पड़ मार दिया ना ये ढेर हो जाएगा यही मेंढक यहीं पर ही। उसके बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ पे एक पानी गिरा हुआ है लावा के पास और बहुत सारा ऑब्सीडियन है और मेरे पास पिकेक्स भी है डायमंड की, तो क्यों ना ये ऑब्सीडियन निकाल लिया जाए। ये मेरे को पोर्टल क्रिएट करने में मदद करेगा और मैं नेदर में जा पाऊंगा, और वहां पे मेरे को ब्लेज रोड भी तो लेके आनी है। लश केव को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश था, और सबसे ज्यादा स्पेशल तो भाई ये एक्सलोट। फ्रॉग होने के नाते मेरे को एक्सलोट बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था, क्योंकि मैं भी इसकी तरह पानी में ब्रीथ ले सकता था और तैर सकता था। और सामने एक क्रीपर भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे डायमंड भी है, तो क्या मैं इससे बच पाऊंगा? डेफिनेटली बच पाऊंगा यार, मेरे को पानी में क्या ही ब्लास्ट का इफेक्ट लगेगा, क्योंकि पानी में ब्लास्ट का इफेक्ट नहीं लगता भाई। बेकार क्रीपर बेचारा। लिटरली गाइस मैंने इस लश केव से बहुत सारे डायमंड माइन करे हैं, और मुझे इतना बड़ा लश केव लाइफ में पहली बार मिला है। लिटरली गाइस मेरे को अपनी आईज पे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े लश केव में हूँ। ये बहुत ह्यूज है गाइस, बहुत ज्यादा बड़ा लश केव है ये। मैं एक ब्लॉक का होने की वजह से स्ट्रीप माइनिंग बहुत आसानी से कर पा रहा था, तो मैं ज्यादा डायमंड ढूंढ पा रहा था। लेकिन अचानक भाई मेरे को एक ऐसी चीज दिखी जो कि मेरे लिए नाइटमेयर है भाई, क्योंकि गाइज मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वार्डन के नज़दीक हूँ। ये कोई एंशेंट सिटी जैसी कुछ जगह लग रही थी भाई, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा रेयर होती है, बट पता नहीं मेरे को कैसे मिल गई यार। बस मैं सही सलामत भाई यहाँ से बच के निकल जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा वर्ल्ड यहाँ पे जितनी भी प्रोग्रेस किया वो सब ख़त्म हो जाए एक झटके में। प्लस मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें पता भी है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्राउच करके चलना है, और ये जो जितने भी शल्कर्स हैं ना, मतलब शल्कर्स होते हैं ये क्या होते हैं, रेडस्टोन टाइप, इनमें शल्कर जाता है, मतलब ये मेरे फुट्स की आवाज़, माइन की आवाज़, चेस्ट खोलने की आवाज़, इन्वेंट्री खोलने की आवाज़, मतलब ये छोटी मोटी सारी ही आवाज़ सुन सकते हैं। और यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन भी नहीं होते भाई, सिवाय वार्डन के। भाई मैं यहाँ पे आसानी से माइनिंग वगैरह तो कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक ही मॉब का मुझे यहाँ पे खतरा था, वो था वार्डन भाई, वो स्पॉन ना हो जाए। बस मैं जैसे तैसे करके भाई इस एंशिएंट सिटी में आ तो गया हूँ भाई, बस यहाँ से जिंदा बच के जा भी पाऊंगा क्या नहीं जा पाऊंगा ये मुझे नहीं पता भाई। मैं हूँ भी तो यार एक फ्रॉग, कितना सर्वाइव कर पाऊंगा यहाँ पे। मैंने सुना था ये जो शल्कर टाइप जो होते हैं ना, शल्कर सेल, इनको तोड़ दो तो ये वार्डन स्पॉन नहीं होते।
था, लेकिन भाई उसको तोड़ने के बाद तो यहाँ पे तबाही सी आ गई। मतलब चारों तरफ एक अजीब सी आवाज आई चिल्लाने जैसी। भाई मैं यहाँ पे एंशिएंट सिटी में ज्यादा नहीं आया, एक दो बार ही आया हूँ, और मेरे को नहीं पता यहाँ की सेफ्टीज क्या होती हैं, खतरे क्या होते हैं। तो जैसे तैसे करके भाई मेरे को सेफ रहना है, प्लस ये ध्यान रखना है कि मैं ज्यादा आवाज ना करूं। It was at this moment that he knew he fucked up. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तुमसे ना हो पाएगा। तो रहन दो फिर। Run. ये सिचुएशन गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे कैसे तैसे करके भाई इसको हैंडल करना है, इसको शांत करना है, वार्डन को शांत। से मेरा कहने का मतलब है मुझे वूल पे चलना है, कुछ बिल्ड बिल्ड कुछ चेस्ट वेस्ट कुछ नहीं खोलनी। तो थोड़ी देर बाद ये अंदर चला जाएगा या मेरा पीछा करना छोड़ देगा, और फिर मैं यहाँ के चेस्ट लूट के यहाँ से रफाना दफाना हो जाऊंगा। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, छोटी बच्ची हो क्या भाई? इतना आसान नहीं है ये। भाई सही सलामत एक पीस में घर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने अब कर ली है। अब तो बहुत सारी बुक्स वगैरह भी मैं लेके आ गया हूँ, जो कि सही सही है भाई। स्नीक वाली भी है जो कि मैं मतलब अपनी लेगिंग में लगा सकता हूँ और फिर वापस से वार्डन सिटी जा सकता हूँ। लेकिन अब वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ से मैंने डायमंड निकाल लिए हैं, चेस्टें लूट ली है, प्लस मैं मरता मरता भी बच गया हूँ भाई। 3 एन्चेंटेड एप्पल भी है मेरे पास। बहुत बढ़िया चीज़ है यार, मज़ा आ गया सच में वहाँ की चीज़ें लूट के। और ये अजीब से डिस्क के पार्ट भी मिले हैं मुझे यार, पता नहीं इनको कैसे असेंबल करना होता है, कैसे क्राफ्ट करना होता है। फिलहाल भाई यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है, अब बनाते हैं थोड़ा घर वर। तो भाई घर बनाने के लिए मेरे को बहुत सारा डर्ट सैंड इकट्ठा करना पड़ेगा, प्लस थोड़े बहुत भाई मेरे को जो चेस्टों से कोरल ब्रोक मिले थे उनको मिला करके मैं घर बनाऊंगा। फिलहाल मेरा घर बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, मेरे सारे सीरीज से बहुत अलग होने वाला है ये वाला घर। तो ज़रूर से देखो भाई, इसको मज़ा आएगा आप लोगों को। घर नहीं, मेरा बेस बन के तैयार है। मतलब ये एक तरह का मेरा बेस है, घर अभी पूरा नहीं बना है भाई मेरा, सिर्फ ऐसी खुले में बेड लगाया हुआ, स्टोरेज रूम बन चुका है, बट अभी मेरे को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है। और ये नाव चलाते वक्त ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई मैं नाव को उठा के लेके जा रहा हूँ, जबकि मैं नाव के अंदर बैठ के चला रहा हूँ इसको।
भाई अजीब है ये चीज भी। थोड़ी दूर मेरे को रूइन पोर्टल मिला और वहाँ पे भाई मेरे को एक पिकेक्स मिली जिसमें फॉर्चून लगा हुआ था और कुछ सामान भी मिल गया गोल्ड का, साथ में गोल्ड का ब्लॉक में मिल गया। ट्राइडेंट मारने वाले बंदों से ना एक उम्मीद थी कि मुझे ट्राइडेंट देंगे, बट अभी नहीं गिराया इन्होंने ट्राइडेंट भाई। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे को एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर दिखा जो कि पूरी बड़ी एक सिटी थी भाई, मतलब इसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे और इनके अंदर बहुत ही तगड़ी लूट भी थी, प्लस खतरा भी उतना ही था क्योंकि भाई ड्राउन ने यहाँ पे पूरे गोल्ड के आर्मर और तगड़े तगड़े चीजें ली हुई थी जो कि इंचेंटेड थी। बहुत खतरनाक भी हो सकता था इसके अंदर रेड करना, लेकिन भाई मेरे को रेड तो करना ही है क्योंकि सारा सामान मुझे चाहिए। और पता नहीं कहीं से ट्राइडेंट ट्राइडेंट वाले बंदे भी आ रहे थे। और गाइस आपको बिलीव होगा मेरे को इस बंदे को मार के भाई ट्राइडेंट मिल गया यार, ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ थी यार। जाते जाते मतलब मैं ये पूरी सिटी लूट चुका हूँ और जाते जाते मेरे को ट्राइडेंट भी मिल गया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं सिटी को लूट के निकला ही था कि अचानक मेरे को कुछ फ्लोटिंग करते हुए शिप दिखी भाई। ये शिप भाई यहाँ से जा रही थी और इनके अंदर देखता हूँ मैं यहाँ पे विलेजर्स हैं भाई, मतलब ये भी मेरी तरह जमीन की तलाश में है। बट अनफॉर्चुनेटली भाई जो फ्रॉग है वो पानी में ही रह सकता है, जमीन पे नहीं रह सकता। मतलब चल तो सकता है वो, लाइव तो कर सकता है, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक जमीन पे नहीं रह सकता, उसको पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं भाई, इन विलेजर्स को देखना पड़ेगा मुझे कहाँ जा रहे हैं। तो भाई यहाँ देखता हूँ मैं इनके बैरल्स में मुझे बहुत तगड़ी तगड़ी लूट मिलती है, प्लस ये डील भी कर रहे थे लेकिन वो एमरल्ड के बदले कर रहे थे। एमरल्ड तो था मेरे पास लेकिन इनके पास डील के लिए मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं था जो कि मुझे चाहिए हो सर्वाइवल के लिए। फिलहाल मैंने इनके शिप्स को लूटना शुरू किया भाई एक एक करके। यहाँ पे बहुत सारा खाना वाना मछली वछली थी जो इनको अपने लिए चाहिए थी, लेकिन भाई मैंने लूट लिया तो भाई ये बेचारे भूखे ही मरते जाएंगे रस्ते में। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। फिलहाल मैंने इन शिपों को और सिटी को लूट करके भाई बहुत बढ़िया लूट इकट्ठा कर लिया था, प्लस मेरे पास एक सिल्क टच की स्टोन पिकेक्स भी थी जो मेरे को बहुत काम आ सकती है आगे। और मैंने डायमंड का आर्मर तो बना ही लिया है, क्यों ना भाई अपने कर्ज को थोड़ा ठीक किया जाए। और हाँ मेरे को यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी सिटी दिखी भाई जो कि एक तरह का ओशन मॉन्यूमेंट था, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से है भाई। मतलब ऐसा ओशन मॉन्यूमेंट मैंने कभी नहीं देखा, ये तो भाई किसी तगड़ी चीज का है भाई। मतलब यहाँ पे लगता है कोई बॉस वगैरह रहता है या फिर कोई वाटर क्रीचर कुछ तो है भाई, ये सिटी कुछ ना कुछ कनेक्ट करती है वाटर से। फिलहाल मैं घर पे आ चुका था भाई, घर जैसा सुकून ना कहीं पर भी नहीं है। और शायद से आप लोगों ने मेरा घर अंदर से नहीं देखा था तो अभी देख लो। हाँ वो सामने जो डर्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं अपना बेडरूम बनाने वाला हूँ जो कि भाई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि मेरे पास अच्छे से ब्लॉक नहीं है। अगर मुझे बढ़िया बढ़िया से ब्लॉक्स मिलते हैं तो डेफिनेटली भाई मैं उससे घर बिल्ड करूँगा। लकड़ी से तो मैं कतई ही नहीं करने वाला यार, लकड़ी का घर ना जल जाता है, मतलब कभी भी उसमें आग वाग लग जाती है। तो मैं लकड़ी का नहीं बनाऊंगा, कोई बढ़िया सा घर बनाऊंगा अपने लिए, मतलब एक बढ़िया सा बेडरूम। लूट को सेटलमेंट कर दिया है भाई, मेरे को बिखरी हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड सामान अच्छा लगता है मुझे। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी सा फार्म भी बना लिया है, बस मेरे पास सीड्स नहीं है। तो भाई माइनक्राफ्ट का 300 IQ लगाते हुए मैंने जो लस्केव से मूश ब्लॉक मिले थे उन पे बोन मिल वा रहा, तो वहां पे मेरे को बहुत सारी ग्रास मिल गई जिनसे मेरे को थोड़े बहुत शीट्स मिल गए। तो अब मैं फार्मिंग भी शुरू कर सकता था अपनी, मतलब अब खाने की दिक्कत तो रहेगी नहीं भाई, बहुत हो गया अब आसान काम, अब थोड़े मुश्किल काम किए जाए। यानी कि अब भाई पोर्टल वगैरह खोलते और जो मेरा एक कर्ज है इसको खत्म करते हैं क्योंकि भाई मेरे को जमीन पे जाना है जल्दी से जल्दी। और भाई जब मेरा कर्ज खत्म होगा ना तभी मैं जमीन पे जा पाऊंगा एक इंसान बन के। तो भाई मेरे को बिल्ड में भी बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ रही है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं वन ब्लॉक का हूं तो मेरा जो विजन है ना वो बहुत ही छोटा है, मतलब मेरे को ज्यादा चीजें नहीं दिखाई देती तो मेरे को बिल्ड करने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो फिलहाल मेरे को करना होगा भाई एक पोर्टल रेडी जो कि होने वाला है ट्विलाइट फॉरेस्ट, और वहां पे एक नागा सांप है यानी कि बहुत बड़ा स्नेक है, उसको मुझे मारना होगा और उसको मारने के बाद मेरा कर्ज टूट सकता है भाई। अब जैसा कि मुझे सिल्क टच की पिकेक्स मिली थी एक, उससे आकर के मैंने ग्रास ब्लॉक निकाले क्योंकि मूस ब्लॉक पे भाई फ्लावर नहीं उग रहे थे और मेरे को ट्विलाइट फॉरेस्ट का पोर्टल ओपन करने के लिए है ना फ्लावर चाहिए होंगे और एक डायमंड चाहिए होगा। तो डायमंड तो मेरे पास है बट फ्लावर नहीं थे, तो फिलहाल अभी फ्लावर का काम हो जाएगा भाई। साथ ही में मेरे घर में थोड़ी सी घास भी उग जाएगी जो मेरे को थोड़ी अच्छी लगेगी। All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better day. I'm kinda stuck between a rock and a hard...
अब भाई मेरा पोर्टल बन के रेडी था, अब मुझे इसके अंदर जाना है और एक बैरी होती है वो लेकर के आनी है। उस बैरी को कौवे के पंख के साथ मिला करके एक पंख बनता है और उस पंख को कागज के साथ मिला के एक नक्शा बनता है जो कि इस दुनिया के नक्शे को खोल देता है। और फिर उस नक्शे में जो भी बॉस दिखते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीके के बॉस होते हैं, उसमें से एक नागा बॉस होता है जो कि बहुत बड़ा स्नेक है, उसको मुझे मारना है तो मेरा कर्ज हट जाएगा। तो चलो भाई उसको मारते हैं फटाफट से, क्या ये आसान होगा? मुझे तो नहीं लगता भाई। Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. भाई सक्सेसफुली नागा बॉस को मारने के बाद मैं अजीब सी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया। और सबसे तगड़ी चीज भाई, मैं एक ह्यूमन बन चुका हूँ, मैं एक मानव बन चुका हूँ, लेकिन मैं ये कहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ भाई? मेरा घर कहाँ पे? और मेरी इन्वेंटरी में एक आर्मर है। ओ यानी मुझे एक स्पेशल आर्मर भी मिला है भाई, तो ये चीज बहुत बढ़िया भाई। और इतने सारे हार्ट वापस मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन हाँ, मेरी जंप करने की एबिलिटी जा चुकी है, बट रीजनरेशन और नाइट विजन मेरे पास अभी भी है भाई। क्या फॉल डैमेज वगैरह है मेरे पास? ये तो नहीं पता भाई, वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा। और आर्मर पहनने के बाद 2 extra heart speed प्लस माइनिंग स्पीड मिल रहा था मुझे भाई, यानी कि हे ये तो ऑसम आर्मर है भाई। एक दिक्कत हो गई थी, मैंने अपना बैड रिस्पोन नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे घर से बहुत चंक दूर रिस्पोन दे दिया, मतलब अब मैं घर भी नहीं जा सकता। प्लस मेरे पास मेरे घर के कोऑर्डिनेट भी नहीं है, तो इसका मतलब अब मैं घर पे तो जा ही नहीं सकता, अब मुझे अपनी नई दुनिया बसानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, वो फ्रॉग की दुनिया थी जब मैं फ्रॉग था, अब मैं ह्यूमन बन चुका हूँ तो अब मैं ह्यूमन वाली जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मैं अभी भी घर अपना पानी के नजदीक ही बनाऊंगा भाई, क्योंकि पानी से बहुत लगाव सा हो गया समुंदर में इतना टाइम रहने के बाद। और अभी एंडर ड्रैगन को भी तो मारना है भाई, तो अब मुझे अपना नया घर यहीं पर ही बनाना है। तो मैंने यहाँ की जमीन को फ्लैट करना, यानी कि इसको थोड़ा सही करना शुरू कर दिया। The next day, later. एक दिक्कत हो गई थी भाई, मैंने रीप्ले मोड के चक्कर में यहाँ पे, मतलब रीप्ले मोड में ऑन करना भूल गया और मेरा जो रिकॉर्डिंग था वो क्रैश कर गया भाई। तो यहाँ पे मेरा ये छोटा सा सर्कल बनाया था मैंने घर के लिए भाई, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको बिल्ड का सिनेमैटिक जरूर आपको दूंगा भाई। और आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगा कि मैं गेम खेलने के साथ साथ रिकॉर्डिंग पर भी ध्यान दूं भाई, कि हो रही है कि नहीं हो रही। फिलहाल मैंने अपनी एक माइन भी बनाई है यहाँ पे, और मैं माइन में माइन करने के लिए नीचे जा रहा था कि अचानक मेरे को एक चीज दिखी। बस फिर क्या था, वही चीज देखने के बाद मैं वहां से भाग लिया भाई, क्योंकि भाई अब मेरे को फाइट नहीं लेनी है वार्डन से भाई। मैं मेंढक के रूप में मिला था, वही बहुत है भाई। पता नहीं कैसे रिस्क लेके मैं चला गया था, अब नहीं जाने वाला मैं वहां पे। फिर मैंने वहां से थोड़े बहुत ऑब्सीडियन और डर्ट वगैरह इकट्ठी करी, क्योंकि भाई अब मेरे को अपना नया घर भी तो बनाना है।
सक्सेसफुली नेदर का सफर करने के बाद भाई मैं वापस आ चुका हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे पास एक एबिलिटी बची हुई है भाई फ्रॉग की, यानी कि फायर रेसिस्टेंस। यानी कि भाई फायर रेसिस्टेंस मुझे लग रहा है भाई, मतलब फायर से डैमेज नहीं मिल सकता मुझे, इसीलिए भाई मैं इजीली ब्लेज रोड ले पाया। प्लस मेरे को फॉल डैमेज भी नहीं लग रहा है, तो भाई यानी कि अब एंडर ड्रैगन भी इजी पीजी मरने वाला है। तो चलो भाई एंडर ड्रैगन को भी मारते, लेकिन उससे पहले मेरे को एंडर पल चाहिए होंगे, तो थोड़े बहुत एंडर पल कलेक्ट करते हैं पहले। भाई मेरे पास अच्छे खासे एंडर पल इकट्ठे हो चुके हैं। प्लस भाई मेरे को एक ही अजीब सी आउटपोस्ट दिखाई देती है, जो कि ये प्लेजर की आउटपोस्ट लग रही है, लेकिन भाई इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। जैसे कि ओशन मॉन्यूमेंट का डिजाइन थोड़ा अलग था, इसका भी डिजाइन बहुत ज्यादा अलग है भाई। और यहाँ पे मेरे को कुछ पिलेजर भी नहीं दिख रहे हैं भाई। अब चल के देखते हैं इसके अंदर है क्या चीज। भाई इन्होंने तो पूरी दुनिया बसा रखी है, क्या ये जीना सीख रहे हैं? भाई ये तो पहले हंटर थे ना, लेकिन ये तो पूरा घर बना लिया। और ऊपर भाई मेरे को एक अजीब सी चीज दिखती है यार, ये अपडेट में आई थी, इसका क्या नाम है यार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं इसका नाम भूल गया हूँ। तो जल्दी से भाई इसका नाम जरूर बताना मुझे, क्या नाम है इसका। और मैंने इसको एक कुकी दे दी, और ये पता नहीं क्यों मेरे साथ साथ आ रही थी। तो चलो भाई पता नहीं क्या है ये, इसका क्या नाम है यार। बाकी मैंने इसको जेल से निकाल दिया है, अभी आराम से उड़ सकती है। घर पे आके मैंने नेदरराइट बनाया। यस गाइस, मैंने नेदरराइट इनगट बनाया, इसमें माइन करने की जरूरत नहीं है, मैजिकल वर्ल्ड है। तो भाई यहाँ पे मैंने नेदरराइट इनगट बनाया और अपने टूल्स नेदरराइट में कन्वर्ट किए, क्योंकि आर्मर मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा है, एक मैजिकल आर्मर। घर पे आके मैंने एक इंचेंटमेंट रूम बना करके भाई छोटा सा इंचेंटमेंट रूम बनाया, जितने मेरे पास बुक शेल्फ थे, अपने बेसिक टूल को इंचेंट किया और निकल पड़ा एंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए। और जल्दी मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी गया। तो चलो भाई अब बारी है एंडर ड्रैगन को हराने की। फिलहाल मैं एंड सिटी में आ चुका हूँ एंडर ड्रैगन को मार कर, और मुझे यहाँ पे एंड सिटी भी मिल गई है भाई, यानी कि मेरे को अब इलाइट्रा भी मिल सकता है। ये वाले तो क्रैश शिप है भाई, पता नहीं एंडर ड्रैगन का स्ट्रक्चर भी बहुत अजीब था, एंड भी बहुत अजीब है, सब कुछ अजीब है यार इस गेम में, मैजिकल वर्ल्ड हो गया पता नहीं क्या हो गया ये। एंड में मैंने इलाइट्रा लेने के बाद वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि एंड सिटी भाई बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वहाँ पे वॉइड होते हैं एंडर ड्रैगन होते हैं, जो कि बिल्कुल चिढ़ते हैं हम जैसे ह्यूमन से। फिर मैंने वहाँ से थोड़े बहुत लिली शीट्स वगैरह लिए, वुड वगैरह ली, वहाँ की जो स्पेशल वुड थी, अलग अलग तरीके की सैपलिन ली, जो कि मैं अपने वर्ल्ड में उगाने वाला हूँ और अपने घर को बहुत ब्यूटीफुल बनाने वाला हूँ। तो चलो भाई मेरे घर का भी बनते हुए एक सिनेमैटिक शॉट देख लो आप लोग। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues. So guys यार, आप लोगों की बताओ कमेंट सेक्शन में मेरा घर कैसा बनाए, और भाई मेरा ये एडवेंचर कैसा था। मेरे ऐसे ही 100 डेज के बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, अगर आप लोग देखना चाहते तो प्लेलिस्ट भी है, बहुत तगड़े तगड़े मैजिकल एडवेंचर है और हार्डकोर वर्ल्ड भी है भाई। भाई पूरे वीडियो में कहीं पे भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता मैं, लेकिन लास्ट में जरूर बोलता हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखी है तो डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो लाइक जरूर से करना, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को और भी चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।